नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई और एक एक्साइटिंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 3 लैपटॉप्स अंडर 30,000 रुपीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लैपटॉप के लिए शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्राइटेरियाज बताना चाहूंगा और अंत में आपको यहाँ पे एक टिप भी देने वाला हूँ, उसके लिए आप ये वीडियो कंटिन्यूस देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्राइटेरियाज जो मैंने सेट किए हुए हैं वो है i3 का 8th जनरेशन आपको 30,000 रुपीज में यहाँ पे मिलना चाहिए, 4GB की रैम और 1TB की HDD तो मिलनी ही चाहिए और फुल HD का स्क्रीन यहाँ पे हमको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरे लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ पे तीसरा लैपटॉप जो मैंने चूज किया है वो है Lenovo IdeaPad 330S। यहाँ पे हमें i3 का 8th जन देखने को मिलता है, 4GB की रैम, 1TB की SSD देखने को मिलती है और हमें यहाँ पे 14-inch की HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप अभी सोच रहे होंगे कि ये लैपटॉप फिर थर्ड पोजीशन में क्या कर रहा है। यहाँ पे ये लैपटॉप थर्ड पोजीशन में इसीलिए है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 14 इंच। यहाँ पे 14 इंच किसी किसी लोगों के लिए यहाँ पे कम हो सकता है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। और बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, वो भी एक कारण हो सकता है इसके तीसरे नंबर का होने पे, क्योंकि इसका जो बैटरी लाइफ है वो है 4 से 5 घंटे का। तो 4 to 5 hours यहाँ पे इसका बैटरी लाइफ है और यहाँ पे मुझे ये बैटरी लाइफ कुछ कम लगी है, इसीलिए यहाँ पे ये 3 नंबर पे है। तो सेकंड लैपटॉप की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पे Acer Aspire 3S मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। i3 का 8th जन देखने को मिलता है यहाँ पे हमें, 1TB की हार्ड डिस्क ड्राइव, 4GB की रैम और हमें यहाँ पे 15.6 inches की TFT पैनल वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये सेकंड पोजीशन पे क्या कर रहा है। यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है वो TFT पैनल का मिलता है। तो दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको यहाँ पे कलर एक्यूरेट स्क्रीन चाहिए, तो यहाँ पे जो TFT पैनल डिस्प्ले है वो कलर एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं है। यहाँ पे TFT पैनल्स कलर उतने अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। TFT पैनल्स उनके लिए अच्छा होता है जो यहाँ पे ऑफिस वर्क के लिए या फिर अपने स्टूडेंट वर्क के लिए ले रहे हैं इसको। तो दोस्तों, अगले लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा पहला लैपटॉप है और जो कि मेरा सबसे फेवरेट लैपटॉप है अंडर 30,000 रुपीज, Acer Aspire 5S। इसमें हमें मिलता है i3 का 8th जन, 1TB की हार्ड डिस्क ड्राइव और हमें यहाँ पे मिलता है 4GB की रैम। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे इसमें इतना खास क्या है जो ये फर्स्ट पोजीशन पे। दोस्तों, इसमें ये डिस्प्ले जो मिलता है वो है 15.6 इंचेस की IPS फुल HD डिस्प्ले। यहाँ पे ये डिस्प्ले यहाँ पे कमाल कर देता है, फुल HD IPS डिस्प्ले यहाँ पे हमें 30,000 रुपीज में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये एकमात्र लैपटॉप है जो कि हमें फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है विथ 15.6 इंचेस की स्क्रीन साइज। और मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे जो Acer Aspire 5S है यहाँ पे हमें 7 से 8 घंटे की बैटरी लाइफ भी देखने को मिलती है, तो ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये लैपटॉप लिस्ट अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब मेरे टिप की तरफ। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देने वाला था जो कि मेरा होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे एक SSD M.2 की SSD खरीद लीजिए एक्स्ट्रा 2 to 3,000 रुपीस खर्च करके। यहाँ पे जो भी मैंने तीनों लैपटॉप्स आपको बताए यहाँ पे तीनों में आपको M.2 की स्लॉट मिल जाती है, तो आप यहाँ पे M.2 एक SSD खरीद लीजिए। यहाँ पे ये SSD लगाने के बाद आप इस SSD को लगवा सकते हैं पीछे M.2 स्लॉट में और आपका जो विंडोज आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिलता है उसको आप फिर से री इंस्टॉल कर लीजिए SSD में। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोसेसिंग है, आपका जो सब प्रोसेसिंग होगा, आपका जो विंडोज़ का बूट टाइम होगा या फिर रिस्टार्ट टाइम होगा वो कम हो जाएगा यहाँ पे और विंडोज़ बहुत ही अच्छा और फ्लूइड चलेगा। आपका जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह होगा जैसे MS Word, MS Excel या फिर आपका कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप उसको भी SSD में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको करने से यहाँ पे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी यहाँ पे स्मूथ और बहुत ही अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये टिप अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन दबाइए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको इन तीनों लैपटॉप में से कोई भी लैपटॉप खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और हाँ, वहाँ पे मैंने एक M.2 के SSD का भी लिंक दिया हुआ है जो आप जाके बाय कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ रहे।